अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिक्स नोट 12। अगर हम इसका बैक मॉडल देखते हैं तो बैकवर्ड मॉडल बनता है इसका, X663 मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएँगे कि इसका आपने ये पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने फैक्ट्री हार्ड रीसेट कैसे करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी पावर ऑफ कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने पावर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपने पावर के बटन को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आपने वेट करना है जब तक आपका ये फ़ोन कम्प्लीट ऑफ नहीं हो जाता, यानी कि 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड आपने यहाँ पर स्टे करना है। स्टे करने के बाद आपने अब यहाँ पर इसका आपने वॉल्यूम अप का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारी बैटरी लो है इसलिए हमने यहाँ पर चार्जिंग लगाया हुआ है, तो अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है इसका। तो यहाँ पर आपने इसका वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करना है इस तरीके से, और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की भी आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आपका फ़ोन पावर ऑन करे, आपने पावर का बटन छोड़ देना है। इस तरीके से आपने इसको रिकवरी मोड में लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपने पावर की छोड़ देनी है और वॉल्यूम अप का बटन आपने प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये फ़ोन है वो रिकवरी मोड में चला गया है, लेकिन यहाँ पर नो कमांड आ रहा है। तो नो कमांड रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम अप का बटन है, इसको आपने ऑन ऑफ की को और वॉल्यूम अप के बटन को आपने इकट्ठा प्रेस करना है इस तरीके से। तो जब तक हमारा ये फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता, आपने बार बार ट्राई करनी है। इस तरीके से आपने दोस्तों इसको रिकवरी मोड में ले आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ोन है वो रिकवरी मोड में चला गया है। तो अब आपने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इसका जो यहाँ पर वैप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, आपने इधर लेकर आना है इसको। यहाँ पर वॉल्यूम डाउन के बटन की मदद से वॉल्यूम डाउन का बटन आपने प्रेस करना है और इसको आपने वैप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन जो है वहाँ पर ले आना है इस तरीके से। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ की प्रेस करेंगे तो पॉपअप आएगा आपका कैंसल और फैक्ट्री डाटा रीसेट का। तो अब आपने यहाँ पर इसका जो फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इसको रीसेट करना है। तो आपने यहाँ पर वॉल्यूम डाउन का बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर ले आना है आपने। अब आपने यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसका ऑन ऑफ की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पर इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है रीबूट सिस्टम नाउ के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं रीबूट सिस्टम नाउ आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको ऑन ऑफ की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही आपका फ़ोन रीबूट हो, यहाँ पर आपने वेट करना है। यहाँ पर आपके 2-4 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो जब तक आपका फ़ोन कंप्लीट ऑन नहीं होता तब तक आपने यहाँ पर इस वेट करना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और जैसे ही हमारा ये फ़ोन कंप्लीट ऑन होगा तो मैं दोबारा वीडियो को प्ले कर दूँगा। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं।
तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन हो गया है। अब हम यहां पर इसका लैंग्वेज है जो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर इसकी इंग्लिश है, इंग्लिश को नेक्स्ट कर लूँगा। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इसका कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान से हूँ, आप जिस कंट्री से भी हैं आपने उस कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसका पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये पाकिस्तान है, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर हम स्किप कर देंगे। अब यहाँ अगर आप वाईफाई लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप कर देना है। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन है, इनको आपने अप्लाई करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है, फिर मोर पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पर इसका पिन पैटर्न लॉक, फेस लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आपने स्किप का ऑप्शन है, स्किप कर देना, फिर स्किप कर देना आपने। और यहाँ पर आपका डिस्प्ले स्टाइल है, इसको आप जिस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर एक मरतबा गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया इन्फिनिक्स नोट 12 का, आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है, इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।